हेलो, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ारफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होती है, मींस कौन सी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और किस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं, छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, देन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, एंड इसमें से जो टेस्ट करने वाली हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम टेस्ट करते हैं, वो कौन से हाइपोथेसिस है। तो सिंपली हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस मीन्स एक परिकल्पना, जो हम एक कुछ आइडिया सोचते हैं, कुछ आइडिया हुआ या कुछ अजम्पशन हुआ, वो होता है एक हाइपोथेसिस। अब हमारा आइडिया है या अजम्पशन है, हम देखेंगे यह सही है या नहीं सही है, तो वो हो जाएगा कि हम टेस्ट करेंगे। जो भी हमने परिकल्पना की है, जो भी हमारा एक विचार था या जो भी कोई आइडिया था, सजेशन था, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, उसकी हम बात करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं। कि तो दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है, उसका स्टैटिकल डेटा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। नल हाइपोथेसिस में या तो कनेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, सिर्फ दो ही वेरिएबल होते हैं। एंड अल्टरनेटिव, नाम से ही क्लियर है कि अल्टरनेटिव, कई सारे ऑप्शंस होंगे। अगर रिलेशनशिप है तो कौन कौन से वेरिएबल्स में है और कौन कौन से वेरिएबल्स में नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट करते हैं तो सिंपली हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, कि वहां पे अगर रिलेशनशिप है यस तो वो यस आएगा, नहीं है तो नो आएगा। तो सिंपल से इसमें यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर टेस्ट करने होते हैं। तो जो भी हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई रिसर्च का काम करते हैं या कुछ, हमको जब भी हाइपोथेसिस चेक करनी होती है तो हम नल हाइपोथेसिस चेक करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस के बाद उसमें अगर रिजल्ट हमारा नो आया, तो फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे अपना वर्क करते हैं। तो सिंपली हाइपोथेसिस क्या है? एक आइडिया है, एक परिकल्पना है या कुछ सजेशंस है जो हम अपने सोचते हैं कि ये सही हो सकते हैं या गलत। फिर जब ये जो हमारी आइडिया था उसको हम टेस्ट करते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है वो टेस्ट करने वाली हाइपोथेसिस होती है। तो सिंपली हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसमें जिसको हम टेस्ट करते हैं वो होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।